आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में BA MS प्रथम वर्ष के छात्रों का दीक्षा पाठ्यचर्या के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री एवं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ वर्चुअल हुए शामिल। कहा, वैश्विक संकट में पूरी दुनिया ने स्वीकारा आयुर्वेद को। आयुर्वेद आरोग्यता, मेडिकल टूरिज्म व रोजगार की व्यापक संभावनाओं का है क्षेत्र। पच्चीस मार्च को चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भोपा बाजार चौराहा पर उपद्रवियों द्वारा सड़क पर जाम लगाकर पुलिस बल पर पथराव व पुलिस की गाड़ियों की तोड़फोड़ करने वाले अभियुक्तों के ऊपर CCTV व वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जांच करके रासुका की जाएगी कार्यवाही। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ADG जोन अखिल कुमार ने व्यापारियों के साथ की बैठक। सड़क के किनारे खड़े वाहनों का कराया चालान। व्यापारियों के वाहन को पार्किंग में खड़ा करने के लिए दिए निर्देश। जनगणना के संबंध में जिला जनगणना अधिकारी ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में कैंट पुलिस ने ऑपरेशन ईगल के तहत एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मार्च को तहसील सदर गेट के पार्किंग पर मारपीट करने के आरोप में कैंट पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मंगलवार को बार एसोसिएशन के होने वाले चुनाव के दृष्टिगत कैंट पुलिस ने SP सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में दीवानी परिसर के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, चुनाव वाले दिन दीवानी में अलग से पुलिस कर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी, सकुशल संपन्न करवाया जाएगा चुनाव। गांव की कच्ची गलियों के सड़क को पक्का बनाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, 150 किलोमीटर से ज्यादा कच्ची गलियों के सड़क को किया जा चुका है पक्का, बाकियों को पक्का करने के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। मार्च को चौरी चौरा में हुई घटना को लेकर पुलिस द्वारा 3 सपा नेताओं के ऊपर 25,000 का इनाम रखने पर सपाइयों ने जिलाध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उक्त घटना की CCTV वीडियो की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग। BA MS प्रथम वर्ष के छात्रों के दीक्षा पाठ्यचर्या समारोह में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग बोर्ड ऑफ आयुर्वेद के अध्यक्ष प्रोफेसर BS प्रसाद ने कहा, आयुर्वेद के क्षेत्र में है वैश्विक संभावनाएं। 2023 तक आयुर्वेद की दवाओं का निर्यात 1,990 मिलियन US डॉलर तक पहुंचने का है अनुमान। बैंकों के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने किया 2 दिवसीय हड़ताल। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली रैली, मांगों को पूरा करने की मांग। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन इकाई ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया 2 दिवसीय हड़ताल। न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में अलग से कमेटी बनाने की मांग। और अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं JCA के संयुक्त तत्वावधान में डाक कर्मचारियों ने किया 2 दिवसीय हड़ताल। कहा, नई पेंशन योजना को समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को किया जाए लागू।